नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल रुदौली ट्रांजैक्शन क्लब में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारा रुदौली से लेकर रौजा गांव होते हुए पटरंगा तक दोहरीकरण का कार्य कंप्लीट हो चुका है, जिसमें लगभग अभी तक 90% तक कार्य पूरा हो चुका है। जो हमारा 10% तक कार्य बचा हुआ है, उसके लिए अब मेगा ब्लॉक लिया गया है बाराबंकी अयोध्या रेलखंड पर, और अब यहाँ पर प्री नॉन इंटरलॉकिंग व नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य किए जाएंगे, जिस कारण से इस रूट पर कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। वहीं पर कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि अब यहां पर कार्य लगभग कंप्लीट कर लिए गए हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको अपडेट दी थी, जब यहां पर दोहरीकरण का कार्य चल रहा था, तो आज हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाएंगे कि जो मेगा ब्लॉक में कार्य होते हैं स्टेशन पर, वहाँ पर क्या क्या कार्य होते हैं इस दौरान, जब यहाँ पर मेगा ब्लॉक लिया जाता है, और इंटरलॉकिंग में क्या क्या कार्य किए जाते हैं स्टेशन पर, सभी चीज़ों की जानकारी देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये देखिए, ये शारदा सहायक नहर आ गई हमारी, जो रुदौली से रौजा गांव वाला रेलखंड है उसके बीच में पड़ता है ये शारदा सहायक नहर का ब्रिज। यहाँ पर काम अब युद्ध स्तर पर चल रहे हैं, जैसा कि उत्तर रेलवे द्वारा खबर प्रकाशित की गई थी न्यूज़पेपरों में। और जैसा कि मैं अभी बीती 28 तारीख को यहाँ से गुजरा था, इसी रोड से, ये रोड जो रुदौली से रौजा गांव को कनेक्ट करती है, इसी रोड से मैं रात में गुजरा था। तो यहाँ पर जो आप मिट्टी पटाई का कार्य देख रहे हैं, यहाँ पर रात में भी मशीनें लगी हुई थीं और बड़े बड़े अधिकारी यहीं पर डेरा डाले हुए थे। यहाँ पर जो आप खाली जगह देख रहे हैं, खाली रेल बेड, यहाँ पर ट्रैक को बिछाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। जब रौजा गांव रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य शुरू होंगे, तब हम उसकी ताज़ा अपडेट लेकर आपके लिए आएंगे। तो चलिए आप बात करते हैं कि जो मेगा ब्लॉक के दौरान स्टेशन पर कार्य किए जाते हैं, उसमें क्या क्या काम शामिल हैं। तो जो हमारा पहला काम होता है, वो हमारी लूप लाइन और मेन लाइन से जो हमारी कैंची लाइन अटैच होती है, उसको बिठाने का कार्य किया जाता है। और यहाँ पर देखिए, जो हमारा अप लाइन का ट्रैक लखनऊ की दिशा में डाला गया था, उससे जो हमारे प्लेटफार्म नंबर 1 की लूप लाइन है, उसके लिए कैंची डालने का कार्य पूरा कर लिया गया था। और आगे इसके देखिए, यहाँ पर जो हमारे बगल में आपको ट्रैक दिख रहा है, ये डाउन लाइन हो जाएगी लखनऊ से अयोध्या कैंट की दिशा में। इसके बगल जो ट्रैक देख रहे हैं आप, ये नया ट्रैक हो जाएगा लखनऊ की दिशा में, जो हमारा रुदौली की तरफ से आता है। और उसके बगल में जो खाली जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर लूप लाइन डाली जाएगी रौजा गांव की, और ये प्लेटफार्म नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि पहले के समय में प्लेटफार्म नंबर 1 हमारे उत्तर दिशा में हुआ करता था। अब स्टेशन का नया भवन दक्षिण दिशा में बनाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जो मैंने बताया था आपको कि यहाँ मेगा ब्लॉक के दौरान क्या क्या कार्य किए जाएंगे, तो आपको बताते चलें कि ये जो आप कैंची देख रहे हैं, यहाँ पर इसको डालने का कार्य होता है मेगा ब्लॉक के दौरान। नए सिग्नल जो लगाए जाते हैं, उन पर कार्य होता है इस मेगा ब्लॉक के दौरान। और यहाँ पर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बारीकी से उनका यहाँ पर निरीक्षण किया जाता है। अधिकारी वगैरह यहाँ पर रात दिन डेरा जमाए रहते हैं, क्योंकि मेगा ब्लॉक लिया जाता है, जिस कारण से ट्रेनें प्रभावित होती हैं। और जितने दिन का समय तय होता है मेगा ब्लॉक का, उसी के अंदर इन सभी कार्यों को निपटाना होता है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये जो कैंची डाली गई है, इस पर जो अधूरे कार्य बचे हैं, इसको मेगा ब्लॉक के दौरान ही किया जाता है, क्योंकि मेन ट्रैक पर हमारी ट्रेनें दौड़ रही हैं। और जिस कारण से यहाँ पर मेगा ब्लॉक लेकर ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है, और यहाँ पर ट्रेनों का लोड कम करके जो हमारे बचे हुए कार्य होते हैं, उसको निपटाया जाता है। क्योंकि जब तक ट्रेनें चलती रहती हैं, तब तक समय नहीं मिल पाता है और कार्य सुचारू ढंग से नहीं हो पाता है। ये देखिए, यहाँ पर जो पुलिया बनाने का कार्य था, उसको भी कंप्लीट कर लिया गया है। अभी इस समय इस रूट पर ट्रेनें डाइवर्ट हैं, इसलिए हम आपको ताज़ा अपडेट नहीं दे पा रहे हैं। हम पुराने वीडियो के माध्यम से ही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर रुदौली से रौजा गांव पटरंगा के बीच में जो कार्य बचे हुए थे, उनको युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है। और जैसा कि अब उम्मीद है कि इसी दिसंबर के महीने में सोहावल से लेकर रुदौली वाला सेक्शन तो पहले से ही खुल चुका है डबलिंग का, और जो रुदौली से पटरंगा वाला सेक्शन है, यह भी डबलिंग का खुल जाएगा। तो मान कर चलिए आप कि सोहावल से लेकर अब पटरंगा तक ट्रेनों को क्रॉस नहीं कराना पड़ेगा। ये अब हम पटरंगा स्टेशन पर आ गए हैं, और यहाँ पर जो आप कैंची लाइन देख रहे हैं बीच में, इसी पर कार्य किए जाएंगे इस मेगा ब्लॉक के दौरान। और बगल में देखिए, जो आप कैंची देख रहे हैं नए ट्रैक पर, इसी को बिठाने का काम किया जाता है नॉन इंटरलॉकिंग व प्री नॉन इंटरलॉकिंग के दौरान। और यहाँ पर
देखिए पटरंगा रेलवे स्टेशन पर नए सिग्नल लगा लिए गए थे पहले ही, और यहाँ पर जो प्लेटफार्म का कार्य अधूरा था, लूप लाइन जो डाली जानी थी प्लेटफार्म नंबर 1 की, इसको भी डालने का कार्य पूरा कर लिया गया है। जैसा कि उम्मीद थी मुझे कि ये जो हमारा रुदौली से रौजा गाँव पटरंगा वाला सेक्शन है, इस पर दोहरीकरण का कार्य जिस हिसाब से चल रहा था, मुझे उम्मीद थी कि दरियाबाद तक पूरा सेक्शन खुल जाएगा, लेकिन अभी दरियाबाद में जो नया रेल भवन बन रहा है स्टेशन का, उस पर अभी कार्य अधूरे हैं, जिस कारण से अब पहले इन दोनों सेक्शन को खोलने का टारगेट है। तो यह थी छोटी सी अपडेट, वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग के दौरान क्या कार्य किए जाते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।